Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बिहार विधानसभा को नया स्पीकर मिल गया है। एनडीए उम्मीदवार के रूप में उतरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय कुमार सिन्हा स्पीकर चुन लिए गए हैं। उनके सामने महागठबंधन ने आरजेडी विधायक अवध बिहारी सिंह को उतारा था। सिन्हा के पक्ष में 126 वोट पड़े। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी संभालने वाले विजय सिन्हा पहले बीजेपी के विधायक हैं। इससे पहले कभी भी बीजेपी के खाते में विधानसभा स्पीकर की सीट नहीं गई है, लेकिन इस बार पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन कर पूरे राज्य की सियासत के समीकरण को बदल दिए हैं। विजय सिन्हा लखीसराय सीट से विधायक हैं। लखीसराय सीट पर वो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। 2015 में जब आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो उस स्थिति में भी विजय सिन्हा का दबदबा लखीसराय में कायम रहा और उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की। विजय सिन्हा ने जेडीयू के रामानंद मंडल को हराया था। मौजूदा चुनाव में विजय सिन्हा के सामने महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के अमरेश कुमार थे। अमरेश कुमार को विजय सिन्हा ने 10,000 मतों से हरा दिया था। विजय सिन्हा का जन्म 5 जून 1967 को हुआ था। उन्होंने बेगूसराय के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। उन्होंने 1989 में यह डिप्लोमा हासिल किया था। विधायक के साथ साथ विजय सिन्हा को सरकार का भी अनुभव है। पिछले नीतीश कुमार सरकार में वो श्रम संसाधन मंत्री रहे हैं। विजय सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं, ऐसे में उनको विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी मिलने की सामाजिक समीकरण को संतुलित करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। राज्य में प्रवक्ता के अलावा संगठन में भी विजय सिन्हा कई स्तर पर काम कर चुके हैं। इस बार बीजेपी ने जहां चुनावी नतीजों को सबको चौंकाते हुए जेडीयू से काफ़ी ज़्यादा सीटें हासिल की है, वहीं सरकार में भी उसने दबदबा बनाए रखा है। वादे के मुताबिक सीएम पद जरूर नीतीश कुमार को दे दिया, लेकिन बीजेपी ने तारकिशोर शाद और रेणु देवी को अपने खाते से डिप्टी सीएम बनवाकर सबको हैरान कर दिया है। सुशील मोदी की जगह नए चेहरों को तरजीह दी गई। विधानसभा स्पीकर के पद पर भी ऐसा ही देखने को मिला। नंदकिशोर यादव जैसे दिग्गज नेता इस पद की रेस में आगे माने जा रहे थे, लेकिन अंततः विजय सिन्हा के नाम पर मुहर लगी और इस तरह विजय सिन्हा के रूप में बीजेपी को पहली बार विधानसभा का अध्यक्ष का पद मिल गया है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.